हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स एज यू वर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। और प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने अभी तक बेसिक अंडरस्टैंड कर लिया है एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन एंड नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन। और एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन इस न्यूमेरिकल के थ्रू हम करेंगे। स्क्रीन में आपके सामने न्यूमेरिकल चल रहा है, अब मैं रीड आउट करूंगी और आपको हेल्प करूंगी टू अंडरस्टैंड दैट न्यूमेरिकल। ठीक है, एक प्रोडक्ट बन रहा है कंपनी में जो कि पास कर रहा है तीन डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, प्रोसेस का नाम इन्होंने दिया ए बी एंड सी। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्होंने लॉस जो है वो एस्टिमेट किया हुआ है जो कि है 5%, 8% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन ईच केस द परसेंटेज ऑफ लॉस इज कंप्यूटेड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट एंट्रिंग इनटू द प्रोसेस कंसर्न्ड, यानी कि जितना भी उस पर्टिकुलर प्रोसेस में एंट्री हो रही है उस पर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करेंगे। द लॉस ऑफ ईच प्रोसेस अ स्क्रैप वैल्यू, हर प्रोसेस का जो लॉस है उसकी स्क्रैप वैल्यू है। लाइक ए और बी में जो है वो 5 रुपए के हिसाब से सोल्ड हो रहा है पर 100 यूनिट्स, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नॉट पर 1 यूनिट। एंड प्रोसेस सी में जो है आपका ₹10 पर यूनिट सेल हो, स्क्रैप वैल्यू सेल होगा पर 100 यूनिट्स। ठीक है, आउटपुट जो है पासेस होगी इमीडिएटली टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड द फिनिश्ड यूनिट्स। ठीक है, प्रोसेस 1, 2 एंड 3 में आपका डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ठीक है, फिर मेंशन किया हो रहा है कि 40,000 यूनिट जो है प्रोसेस ए में इंट्रोड्यूस होते हैं जिसकी वैल्यू होती है 20,000। ठीक है, एंड आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस हैज बीन एज अंडर। प्रोसेस ए का आउटपुट है 37,500, बी का है 35,200 एंड सी का है 30,000। कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, बोला है प्रिपेयर करेंगे प्रोसेस अकाउंट। और कई बार एग्जाम में ऐसे नोट आ जाता है कि कैलकुलेशन नियरेस्ट रुपी में है, ये चीज़ को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे। इन आप जिस भी एग्जाम हॉल में बैठते हैं अगर आपने ये चीज़ फॉलो नहीं की तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो इसको सिंसियरली फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट। ठीक है, थोड़े से लंबे कैलकुलेशंस चलेंगे तो पेशेंटली हर चीज़ को उसी पॉइंट ऑफ टाइम में समझते जाएंगे। ठीक है, डिटेल में लिखेंगे अपना पर्टिकुलर्स, आपका यूनिट जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ और अमाउंट। ठीक है, जिन स्टूडेंट के पास बुक है आप प्लीज़ बुक में भी सेम ही न्यूमेरिकल है आप उनको रेफर करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, तो उनको फ्यूचर में वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस उनके एग्जाम आते आते प्रोबेबली मैं सारे और न्यूमेरिकल आपके लिए बल्क में कवर करवा दूंगी। और रजिस्टर्ड उन स्टूडेंट को उनका एक स्पेसिफिक मेल भी चला जाएगा कि ये आपके जो है जो टॉपिक हमने कवर किया उसके एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है इवन विद द लिंक, ताकि आपका रिवीजन में कोई टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, या कवरेज में कोई टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, तो डोंट वरी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, तो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है ना आपका कितना 40,000 यूनिट था, कॉस्ट कितनी थी 20,000 थी। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट लेबर था। ठीक है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस था, ये हो गया 16,000। ठीक, फिर ये था 18,000 और ये आपका 11,000। कोई डाउट हो तो फिर एक बार आप पॉज करें क्वेश्चन को देखिए। 16,000, 18,000 एंड 11,000 आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया। अब आपका नॉर्मल लॉस है। ठीक है, नॉर्मल लॉस था कितना था, 5% था, जितना भी यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हो रहा हो उसका 5% था प्रोसेस ए में। ठीक, और सेल कितना हो रहा था 5 रुपए के हिसाब से पर 100 यूनिट, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो 5%, तो 40,000 का 5% कितना होगा, 40,000 का अगर आप नॉर्मल लॉस निकालेंगे तो 40,000 आपके यूनिट है उसका 5% करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,000 यूनिट्स। ठीक है, अब 2,000 यूनिट का नॉर्मल लॉस है और क्या आपकी नॉर्मल लॉस की वैल्यू दी हुई थी ना क्वेश्चन में कि नॉर्मल लॉस जो है आपका इस रुपीज के हिसाब से सेल होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं, 5 रुपए के हिसाब से आपकी 100 यूनिट पे था। सौ रुपए के हुआ, ठीक, ये 2,000 यूनिट और ये आपका 100 रुपीज। क्लियर हो गया।
बाई प्रोसेस बी अकाउंट, लेकिन उससे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कहीं अब मैं एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन तो नहीं हो रहा. ठीक, सो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, कितना यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, 40,000 यूनिट. ठीक, लेस नॉर्मल लॉस आपका 2,000 यूनिट, तो 38,000 यूनिट आपका क्या हुआ, नॉर्मल यूनिट हो गया. ठीक, आपका आउटपुट क्वेश्चन में गिवन है प्रोसेस बी में 37,500, तो बैलेंस कितना 500 यूनिट जो है आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया. क्लियर है? अब आप, मैंने लास्ट वीडियोस में क्लियर कराया, फटाफट से इसकी वैल्यू बताओ मुझे कि एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू क्या आएगी. ठीक है, ठीक है, ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हो गया आपका 500. ठीक, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 854. इसका आपको आउटपुट गिवन है 37,500, ये इसका बैलेंसिंग फिगर आ गया 64,046. ठीक है, ये प्रोसेस बी में चला गया. क्लोज कर लेंगे अकाउंट को. अकाउंट को क्लोज कर लेंगे. ठीक है, ऐसे प्रोसेस बी अकाउंट बना लेंगे. प्रोसेस ए से कितना आया था, 37,500, 64,046. ठीक है, फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड जनरल एक्सपेंसेस तीनों आ जाएंगे. ये है आपका 14,000, ये 16,000 और ये आपका हो गया 11,000. ठीक है, आ गया. नॉर्मल लॉस आपका आ जाएगा कितना था, 8% था और 5 रुपए के हिसाब से 3,000 हो गया. 8% कैलकुलेट कर लेंगे और 5 रुपए के हिसाब से पर 100 यूनिट पे था, तो ये होगा आपका 150 रुपए. ठीक, कैलकुलेट कर लेंगे अब नॉर्मल गेन है या नॉर्मल लॉस. तो यूनिट इंट्रोड्यूस किए 35. अब मैं सिर्फ वर्किंग करूंगी, आप लोग फुल लिखोगे. एग्जाम में तो हर जगह फुल नरेशन वर्डिक्ट के साथ लिखना है. ठीक है, नॉर्मल लॉस आपका कितना था, 3,000 यूनिट था, तो 34,500 यूनिट है, जिसमें से इन्होंने बोला 35,200 जो है आउटपुट है. ठीक है, सो कितना बचा, 700 यूनिट बचा ना, 700 यूनिट एबनॉर्मल गेन हो गया. टू एबनॉर्मल गेन, 700 यूनिट उसकी वैल्यू निकालेंगे, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट. ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 2128. ठीक है, बाई प्रोसेस सी अकाउंट, सी में कितना चला जाएगा, 35,200 एंड इसका डिफरेंस हो जाएगा 1,07,000. ठीक है, 24. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हूँ. चलिए क्विक सर्च करेंगे प्रोसेस सी में, प्रोसेस सी अकाउंट. पर्टिकुलर यूनिट इन रुपीस, पर्टिकुलर यूनिट इन रुपीस आपका. ठीक है, मैं वर्किंग कर रही हूँ लेकिन आप फुल फ्लेज इसको शो करेंगे एग्जाम हॉल में. टू प्रोसेस बी अकाउंट से कितना आया है आपका, 35,200 यूनिट्स एंड 1,07,024 रुपीज़. ठीक, डायरेक्ट मटेरियल है टू, टू डायरेक्ट वेजेस है, टू जनरल एक्सपेंसेस है ना, 14,000 और ये आपका था 13,000 और 12,500. ठीक, बाई नॉर्मल लॉस हो जाएगा आपका 10% कितना, और ये था आपका 10 रुपये के हिसाब से 352. बाई फिनिश गुड्स कितना था, 30,000. ठीक, अब फिर से चेक कर लेंगे हमारा अब नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है या अब नॉर्मल गेन है,
ये कैलकुलेट करेंगे। तो आप प्लीज इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करके बताओ कि आपके हिसाब से क्या आएगा। Abnormal loss 1680. ठीक है, देखिए जिन स्टूडेंट्स को लास्ट मार्कल क्लियर हो ना, तो ये इस क्वेश्चन को एक बार कोशिश करेंगे खुद से ट्राई करने का, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आप एक फिनिश गुड्स का, फिनिश स्टॉक का अकाउंट बना लेंगे सेम वे में। यहाँ पे कुछ आपको डिटेल ज़्यादा देनी नहीं है, क्योंकि सेल हो रहा होता तो सेल दिखा दे, अभी सेल की कोई बात नहीं हो रही है। तो पर्टिकुलर यूनिट रुपीज़, ठीक है, आपको आ जाएगा टू प्रोसेस सी अकाउंट, ठीक है, 35,200 पे 1,38,420, ठीक है। अब और कौन से अकाउंट बनेंगे, एबनॉर्मल लॉस बनेगा, है ना, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे, मेंशन कर देंगे प्लीज आप डिटेल्स, ठीक है। प्रोसेस वन में था और प्रोसेस ए में एंड प्रोसेस सी में, तो प्रोसेस ए में एंड प्रोसेस सी में क्विक देख लेते हैं। प्रोसेस ए में कितना था, हाँ प्रोसेस ए में 500 यूनिट 854 था, ठीक। और प्रोसेस सी में था 1680 7752, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 2180 यूनिट। इसका कैश में निकाल लेंगे 2180, 500 यूनिट जो सेल हुई थी वो 5 रुपए के हिसाब से हुई थी पर 100 यूनिट, और ये 10 रुपए के हिसाब से हुई थी पर 100 यूनिट, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 193, ठीक है, 193 बैलेंस आपका कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा, 8413, क्लियर है। सेम ही है जो मैंने लास्ट मार्कल में आपको तोड़ तोड़ के कराया है आपको समझाने के लिए, कोई इसमें कम बाय है, दैट्स इट, 2180 8606, ठीक है। सेम यूनिट पे ही मैंने बताया था ना आपको कि क्यों कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं, ये तो तीनों में था, ए बी सी तीनों में था, फटाफट से नॉर्मल लॉस अकाउंट बना लेंगे प्लीज। ₹3,250 के हिसाब से, ठीक। और यहाँ पे आप दिखा देंगे एबनॉर्मल गेन, ठीक है, एबनॉर्मल गेन, इसको भी तो सेम यूनिट पे निकाल रहे थे, कितना यूनिट था एक बार देख लेते हैं, 700 यूनिट, ठीक है, 700 यूनिट था, ठीक है। लेकिन इस 700 यूनिट को किस पे करेंगे, 5 रुपए के हिसाब से, क्योंकि प्रोसेस बी था, है ना, तो ये आ जाएगा 35, ठीक है। और बैलेंस आपका कैश या डेटर्स जिस भी फॉर्म में होगा 7820 चला जाएगा, ठीक है। एट फाइव टू जीरो
आपको 602 रुपए के हिसाब से, ठीक है, क्लियर। फटाफट एक नॉर्मल गेन अकाउंट बना लेंगे, ऐसे एग्जाम में फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट लेंदी है ना, और वहीं पे ट्विस्ट होता है इंस्टीट्यूट का, है ना। सो यहाँ पे आपका 700 के हिसाब से 35 रुपये आ जाएगा नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट 700 के हिसाब से 35 रुपये, ये तो था ही। और आपका जो प्रोसेस बी में था वो कितना था, 700 के हिसाब से गिवन था 212, इट आपका मैच हो जाएगा, तो कॉस्टिंग पीएनएल निकाल देंगे, है ना, 2098, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो। वर्किंग नोट में एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, ठीक है, ये कैलकुलेशन पूरा प्रॉपर शो करेंगे एग्जाम व्यू पॉइंट्स में, ठीक है। बिकॉज आप देखेंगे इन सब न्यूमेरिकल में कुछ ज़्यादा ट्रिकीनेस नहीं है, इसमें बस लेंदी ने बहुत लेंदी है, अगर आप एक बार अंडरस्टैंड कर लो। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा आपको स्पीड इंप्रूव करना होगा, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ये पूरा कंपाइल्ड क्वेश्चन है एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन का, ठीक है। सो इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, इंटर प्रोसेस करेंगे एंड देन इक्विवेलेंट यूनिट्स के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।